कोयलांचल के जाने माने दिग्गज मजदूर नेता एस के बक्सी नहीं रहे। 85 वर्षीय बक्सी दा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, वे इलाज के लिए सरायढेला स्थित बीसीसीएल के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस की तकलीफ थी, जिससे शनिवार को उनकी हालात काफी बिगड़ गई, जिसके बाद रात को उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन मिशन अस्पताल ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्हें वापस एम्बुलेंस से धनबाद लाया जा रहा था। इसी क्रम में रविवार के तड़के रास्ते में ही उनका निधन हो गया। सीटू नेता बक्सी दा के निधन से कोयलांचल के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद पीएन सिंह से लेकर विधायक और तमाम ट्रेड यूनियन से जुड़े नेताओं ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। देखिए, बक्सी दा को 1967 से मैं जानता हूँ और शुरू से हम तक आज तक वो लालझंडा का ही कार्यकर्ता व सिपाही के तौर में ही रहा। सैद्धांतिक रूप से कभी इधर उधर हुए नहीं। ऐसे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उस दौर में ये गुंडों का लाठी भी खाया है, मार भी खाया है, जेल भी बहुत बार गए हैं। तो अभी तक वे हमेशा जो सिद्धांत है लाल झंडा का, मार्क्सवाद, उस सिद्धांत के साथ अंतिम समय तक वो रहा। उनके नहीं रहने से पार्टी की और कमियाँ खुली हुई क्या है? पार्टी कमी खुली हुई, उनके नहीं रहने से पार्टी कमी और कमी खुली हुई। देखिए, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है।